गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय संस्कृत तृतीय पाठ भाग ए। कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 3 भाग ए। कुछ शब्दार्थ दिया गया है, उसका अर्थ समझें और लिखें। तो चलिए, यहाँ दिया गया है विभिन्नानि। विभिन्नानि मीन्स होता है अनेक। भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी अनेकों प्रकार की। रमणीयता, रमणीयता मीन्स होता है सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। यहाँ लिखिए सुंदरता, सुंदरता। तीसरा शब्द है रमणीयानि। रमणीयता में सुंदरता और रमणीयान मीन्स रमण करने योग्य, यानी घूमने लायक। यहाँ लिखिए रमण करने, रमण करने योग्य, रमण करने योग्य। फिर क्या है? आकर्षयंती। आकर्षयति, आकर्षित मीन्स आकर्षित करती है, अपने तरफ क्या करती है, खींचती है। तो यहाँ लिखिए खींचती है, खींचती, खींचती है। फिर क्या है? उभयतः। उभयतः मीन्स होता है दोनों तरफ। क्या होता है? दोनों तरफ। तो यहाँ लिखिए दोनों तरफ, दोनों ओर या दोनों तरफ। वर्तते, वर्तते मीन्स क्या होता है? है। वर्तते मीन्स है। यहाँ लिखिए है। फिर क्या है? परितः। परितः मीन्स होता है चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। यहाँ लिखिए चारों तरफ, चारों तरफ। फिर क्या है? रंजयंती। रंजयंती, रंजयंती मीन्स होता है प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ लिखिए प्रसन्न करते हैं। यहाँ आधा न है, प्रसन्न करते हैं। मनोरमम, मनोरमम मीन्स क्या होता है? मन को अच्छा लगने वाला, जिसमें मन रम जाए, मन को अच्छा लगने वाला। मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। अब यहाँ चलिए, आगे कुछ शब्दार्थ शब्द दिया गया है प्रतिभाति। प्रतिभाति मीन्स होता है लगता है, ल ग त
ता लगता है। उसके भांति या उस जैसा लगता है। विराजते, विराजते में सुशोभित होता है। क्या लिखिए? सु सो भीत सुशोभित होता है। सुशोभित होता है। उद्यानम, उद्यानम मीन्स होता है बगीचा। बगीचा, उद्यानम मीन्स बगीचा। फिर क्या है? निर्झरम, निर्झरम मीन्स होता है झरना। क्या होता है? झरना। क्या लिखिए? झरना, झरना। फिर क्या है? सुषमा, सुषमा मीन्स होता है शोभा। शो फिर है विकसी तान, विकसी तान मीन्स क्या होता है? खिले हुए। क्या होता है? खिले हुए। क्या लिखिए? खिले हुए, खिले हुए। फिर इसके बाद है पर्यटका, पर्यटक मीन्स यात्री, पर्यटका मीन्स अनेकों यात्री। अनेक, अनेक अनेक यात्री, अनेक यात्री। आह्लादयन्ति, आह्लादयन्ति मीन्स प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करते हैं। फिर है प्रवासार्थम, प्रवासार्थम मीन्स होता है प्रवास के लिए, प्रवास के लिए स्थान। तो क्या है प्रवासार्थम? प्रवासार्थम मीन्स प्रवास के लिए। फिर है नूनम, नूनम मीन्स होता है अवश्य। अवश्य। इसको नोटबुक में नोट कर लेना, याद कर लेना। थैंक यू बच्चों, बाय।